जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बिगनिंग के कॉन्सेप्ट लगभग छः वीडियोस मावला क्लासेस ने बारी बारी से शुरुआत के कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उससे पहले आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप उन वीडियोज़ को पहले देख लें। आज का टॉपिक क्लोज फिगर, जैसे कि ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन, पॉलीगॉन, अगर इनकी वर्टाइसेस दी गई हों तो ट्राइंगल का एरिया निकालना आसान है, उसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं। बट क्वाड्रिलेटर का भी हो सकता है थोड़ा सा आसान हो, बट उससे आगे आप बढ़ते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, इनके एरिया निकालना, वर्टाइसेस दी हों तो थोड़ा क्वाइट टफ हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि इस टाइप की आकृति, इस टाइप के क्लोज फिगर के एरिया आसानी से कैसे निकाले जाएँ, उनके क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। यहाँ पे आपके सामने चार वर्टाइसेस ली। अब चार वर्टाइसेस से क्लोज फिगर एक क्वाड्रिलेटर बनता है। तो हम लोग देखेंगे दो मेथड। पहले एक रूटीन वाला मेथड, जो बेसिक मेथड है कि इसका एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो यहाँ आपके सामने हमने क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी लिया, उसके सारे वर्टाइसेस ऑर्डर से यहाँ ली। अब आपके सामने देखिए, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। जब दो पार्ट में डिवाइड किया तो ट्राइंगल आकृति का शेप का ये दो फिगर हमें मिले। जैसा कि एरिया एक रीजन है, तो इस अब हम रीजन को आप एक पूरे एरिया, इस रीजन को एक साथ माने या उसको सब डिवाइड कर दें, तो इन इसका एरिया और इसका एरिया का सम पूरे जो क्लोज फिगर है उसके बराबर होगा। तो हम लोग ट्राइंगल का एरिया पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उससे हम लोग डेल्टा वन और डेल्टा टू निकालेंगे। जैसा कि कैलकुलेशन आपके सामने है, एरिया ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल के बेसिक फार्मूले 1/2, यहाँ पे वर्टाइसिस हम यहाँ रख देते हैं, इससे एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया आप डिटरमिनेंट के इस वैल्यू से कैलकुलेट किया तो 3/2 स्क्वायर यूनिट आया। उसी तरीके से एरिया ट्राइंगल ए सी डी देखा, ट्राइंगल ए सी डी लिया, इसको भी उसी डिटरमिनेंट मेथड से, जैसा कि हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि आप वर्टाइसिस को रो वाइज, बाकी इस कॉलम को 1/1 ले लीजिए। इसको भी हमने इवेल्युएट किया, कैलकुलेशन पार्ट आप कर सकते हैं 3/2, यहाँ पर भी 3/2 आया और यहाँ पर भी 3/2 आया। तो डेल्टा वन और डेल्टा टू को हम दिखाया, 3/2 दोनों का, हमने बोला था कि दोनों के एरिया को सम करके डेल्टा जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा क्वाड्रिलेटर का वो मुझे मिल जाएगा, 3/2 स्क्वायर यूनिट आया। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था, जैसा कि दो ट्राइंगल के एरिया इवेल्युएट करना जानते हैं, उन दोनों ट्राइंगल का एरिया अलग अलग निकाला और जोड़ा। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन किया है कि एरिया क्वाड्रिलेटर 3 स्क्वायर यूनिट है, बट ऐसे टाइम ज़्यादा लग रहा है, हम लोग दूसरे मेथड से जाते हैं। ठीक है, एक मेथड आपके सामने है, उसको डिस्कस बाद में करेंगे, पहले ये वेरीफाई करें कि जो पहले वाला मेथड था और बाद वाला मेथड दोनों से आंसर सेम आता है कि नहीं आता, फिर उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ आपके सामने अभी इसको समझने का प्रयास बाद में करेंगे, और इससे कैलकुलेट किया आंसर कितना है, 3 आया। हमने क्या किया, देखिए वर्टाइसिस, पहली वाली वर्टाइसिस को यहाँ रखा है, दूसरी वाली वर्टाइसिस को यहाँ रखा है, तीसरी वर्टाइसिस को यहाँ रखा है, चौथी वर्टाइसिस को यहाँ रखा है, फिर पहली वाली वर्टाइसिस को फिर यहाँ रख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए एरो दिखाए गए, इसका ऐसे मल्टीप्लाई यहाँ रखा गया, 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 इस ब्रैकेट को क्लोज, मतलब ऐसे 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 लास्ट तक गए, फिर माइनस, अब यही नीचे से यहाँ तक आ गए थे, फिर नीचे से ऐसे 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 यहाँ तक, ये गया ये गए ये इधर। अब इसको एलजेब्रिकली सम कर लिया तो पूरा ओवरऑल 14 आया, और ये भी ओवरऑल 8 आया, 14 - 8 = 6 होता, बटे 2 है, 3 स्क्वायर यूनिट, वहाँ पे भी 3 स्क्वायर यूनिट आया था। अब इसको एक बार ठीक ढंग से थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझते हैं कि अगर कन्फ्यूजन है तो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि उससे बेहतर ये है, समय कम लगेगा। ठीक, यहाँ पे हमने एक क्वाड्रिलेटर लिया है, उसमें चार वर्टाइसिस x1 / 1 x2 / 2 x3 / 3 x4 / 4 लिए हैं। ट्राइंगल होता तो 3 वर्टाइसिस, क्वाड्रिलेटर तो 4 वर्टाइसिस, पेंटागन तो 5 वर्टाइसिस। तो वर्टाइसिस कितनी भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जो मेथड बताने वाले हैं वो कहीं पर भी लगेगा। करना क्या है कि डेल्टा एरिया है 1/2, अब एक स्टैक बनाएंगे, इसको जो भी बोलें वो, ये मतलब एक ट्रिक है। पहली वाली वर्टाइसिस को आप लिखिए x1, y1, उसी तरीके से
दो कॉलम मेंटेन रखने हैं, अब एक्स टू बाई टू, फिर आगे एक्स थ्री बाई थ्री, फिर आगे एक्स फोर वाई फोर, जब तक आप चले जाएंगे। अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल के लिए होते तो तीन वर्टाइसेस तक जाते, क्वाड्रेटर के लिए चार वर्टाइसेस, पेंटागॉन तो पाँच। फिर क्या करेंगे, जब चार वर्टाइसेस लिख चुके होंगे तो जो पहली वाली उसको रिपीट कर देंगे, एक्स वन वाई वन। क्लियर हुआ इतनी बात? ठीक है, तीन वर्टाइसेस के लिए तीन बार जाते हो और फिर एक बार रिपीट करते, चार वर्टाइस चारों तक जाए, फिर एक बार रिपीट फिर से किया पहली वाली, पाँच होता तो ऐसे एन होता, तो पहली वाली लास्ट में रिपीट करनी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेयर मेथड है ये, स्टेयर मेथड। जैसे सीढ़ियों पे नीचे उतरते हैं आप, इसको इससे उतरते चले जाइए, देखिए वन बाई टू, ध्यान दीजिए इसका ऐसे मल्टीप्लाई एक्स वन बाई टू प्लस, अब यहाँ से नीचे चलते चले जाएंगे एक्स टू वाई थ्री, फिर नीचे और जाएंगे डाउन एक्स थ्री बाई फोर, और नीचे एक्स फोर बाई फोर वाई एक्स फोर वाई वन। क्लियर हुआ होगा मुझे लगता है, एरो की डायरेक्शन आप देखते जाएं, लास्ट तक पहुंच गए। अब स्टेयर से हम लोग नीचे उतरते चले आए, अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। बस ये ध्यान रखें कि इसको ब्रैकेट को क्लोज कर चुके हैं, माइनस लगा चुके, नया ब्रैकेट शुरुआत हो चुकी है। अब ऊपर जा रहे हैं तो एक्स वन वाई फोर प्लस, फिर ऊपर जा रहे हैं एक्स फोर वाई थ्री, फिर ऊपर जा रहे हैं एक्स थ्री वाई टू, और आप लगता है आप कर ले जाएंगे एक्स टू वाई वन। ओवरऑल अब क्या है आपके पास, सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको अलग सॉल्व करके आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसी चीज़ को दोबारा फिर से मैं रिपीट करता हूँ, वन बाई टू आपने इस ग्रिड को बनाया, दो कॉलम लिए, पहली वाली वर्टाइसिस को लिखा, फिर दूसरी लिखा, फिर तीसरी लिखेंगे, चौथी, फिर क्या करना है आपको, रिपीट वन बाई टू, नीचे उतरते जाइए ज़ीरो, नीचे उतरिए ट्वेल्व, नीचे उतरिए सेवन, साइन आप ध्यान देते रहिए, प्लस माइनस आप ध्यान देते रहेंगे, ऊपर जाएंगे फोर, ऊपर जाएंगे टेन, ऊपर जाएंगे ज़ीरो, और ऊपर चले गए माइनस सिक्स। अब आप सॉल्व कर लें, ये फोर्टीन आया था रट गया है, ये एट आया था, सिक्स बाई थ्री टू स्क्वायर, सिक्स बाई टू गलत हो गया, जल्दीबाजी नहीं करेंगे मेरी तरह, अदरवाइज आपको टिक करना है, आंसर गलत हो जाएगा। चलिए ठीक है, जैसा कि लास्ट में हम लोग एक्सरसाइज या उसको असाइनमेंट समझें या क्वेश्चन समझें, जो भी हमने आज कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को आप, क्वेश्चंस आपके सामने वर्टाइसेस ली गई हैं, आप उस अपने वेरिफिकेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करिए। साथ कुछ नौ क्वेश्चन आपके सामने हैं, वर्टाइसेस आपके सामने हैं, इन वर्टाइसेस को आप जज करिए और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए। आपके सामने फाइव क्वेश्चंस यहाँ हैं और फोर यहाँ पे हैं, नाइन क्वेश्चंस हम ले रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, इनमें ऑब्जेक्टिव नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। आगे हम लोग इसी तरीके से कॉन्टिन्यू रखेंगे, आप भी कॉन्टिन्यू रखिए और कुछ नया करेंगे। थैंक यू।